क्योंकि मुझे जो है ना वो बहुत प्यारा लगा, कलर का जो शेड है ना जैसा मैंने चाहा था ना वही मिल गया मुझे। बाकी आप लोग देख के बताइएगा कि मेरे पहले वाले बालों का कलर अच्छा था या ये मेरे बालों का कलर अच्छा है। तो अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, अभी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और हम निकल चुके हैं पॉलर जाने के लिए, और आज ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं इतनी दूर ना अकेले जाने वाली हूँ, क्योंकि यार इतनी दूरी मुझे छोड़ने के लिए जाते तो फुहारी लग जानी थी। मैं मेट्रो तक ये मुझे बिठा देंगे इन जगह पापा, फिर उसके बाद जो है ना मैं वहाँ से खुद ही जो है ना वो उतर के दो कदम पे पॉलर है तो मैं उतर के वहाँ आराम से चली जाऊँगी, ऐसी कोई मसला नहीं है। बस तो यार मेट्रो से जाने में कोई इतना मसला नहीं है, इसलिए मैं आराम से चली जाऊंगी। यही अगर कराची होता तो शायद मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में अकेले कहीं गई ही नहीं हूँ, वो भी इतनी दूर कभी भी नहीं। लेकिन ये कि चलो मेट्रो की यहाँ पे इतनी सहूलत है कि आराम से बंदा बैठ के जा सकता है। तो बस निकल चुकी हूँ मैं, अब पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। वैसे मेरा 4 बजे का टाइम था, लेकिन 6 बजे जो है मैं निकली हूँ घर से, क्योंकि मुझे पॉलर से ही कॉल आ गई थी कि आप 6 बजे तक आइएगा, तो इसलिए मैं 6 बजे निकली हूँ। अब जाके देखते हैं यार कि क्या सीन होता है कैसा नहीं होता है। बस ये मैं यहाँ से मान लूँगी अपने लिए, मान लेके जो है मैं सीधा जो है मेट्रो स्टेशन पहुँच के और निकल जाऊँगी अकेले। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं और आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ, थोड़ा सा फील हो रहा है अकेले का, लेकिन खैर हो गई है, कोई मसला नहीं है, हिम्मत करेंगे तो हिम्मत होएगी ना, तो ऐसा है। तो यार हम लोग आ चुके हैं पार्लर और बैठ चुके हैं, ब्रश व्रश हमारे हो गया है और सामने इतना बड़ा मिरर मिला हुआ है, तो मैंने बोला चलो यार बैक कैमरे से ही कर लेते हैं। पहले हेयर ट्रीटमेंट होगा मेरा, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, फिर उसके बाद जो है मुझे करवाना है डाई, चेंज करवाऊंगी यार, ग्रे करवाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना गोल्ड में मैं बहुत बार ले चुकी हूँ, सब दिल भर चुका है। और इशा भी हो गई है मुझे, यहाँ 6:30 बज रहे हैं। और ये है कुछ पॉलर, अभी तो मैं सिर्फ यहीं बैठी हूँ हेयर वाले सेशन के अंदर, आगे जो है वो फेशियल, फिर उसके आगे मेकअप, फिर इस तरह से कुछ है। तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा पॉलर है, अभी आप लोग रिज़ल्ट जो है ना यहीं देख लेंगे मेरा कि कैसा रिज़ल्ट आता है मेरे इन खड़पैंजने से बालों का जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। और इनको ख़राब करने वाला एक बहुत बड़ी ब्रांड का पॉलर है जिसने मेरे बालों का सत्यानाश किया था। हाय कुछ ऐसा है, बस कोई 4-5 घंटे तो यार मुझे यहाँ लग ही जाने। तो यार मुझे बस अपने से बाल ही कराने का शौक़ है, मुझे कोई ये फेशियल वेशल इन सब की स्किन की चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है, ना मैं करवाती हूँ, मुझे सालों हो जाते हैं, ना कोई अल्लाह का शुक्र है ज़रूरत है, बस मुझे हेयर जो है ना वो चेंज चाहिए होते हैं अपने, बस हेयर चेंज हो जाए बस बहुत है मेरे लिए। बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं आईब्रो करवाऊँ, मैं फेशियल करवाऊँ या मैं ब्लीच करवाऊँ, कभी नहीं, कभी कभी कोई ईद पे भी कभी कराया, कराया नहीं, कराया नहीं, कराया कोई ऐसा वो नहीं है। तो बस ये है कुछ, इनको बस ज़रूर मैं चेंज रखती हूँ, मेरा यहाँ घुटनों तक का बाल और इतना मोटा बाल ये करवा करवा के ना इनकी कुछ ये सूरत हाल हो गई है, पर मेरे शौक़ ख़त्म नहीं होके दे रहे हैं। तो यार काम हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिफ़ोर ये रहा हमारा, आफ्टर जो है वो काफ़ी टाइम के बाद पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता। चलो भैया फाइनली मैंने करवा ही लिया आखिरकार बाल, अभी काफ़ी गोल्डन गोल्डन से हैं। दोस्तों अभी कुछ ये सिचुएशन है हमारी, ठंड से मेरा हो रहा है पूरा हाल, बाल मेरे गीले गीले से हैं, ये वाली फॉइल अभी नहीं ओपन हुई है, लेकिन सर्दी बहुत लग रही है यार। मैंने शॉल जो है ना अपने पाँव पे डाल के बैठ गई हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा, मैंने अपने मुंह पे भी ना सारे
काले काले टप्पे जो है ना ब्राउन ब्राउन कलर के मार लिए, नेल्स भी बर्बाद हो गए, ऐसे तो नहीं दिखेंगे वो। चलो जितने भी दिख रहे हैं ये दिखे, नेल्स का भी मैंने ये हाल कर लिया। अभी भी तकरीबन एक घंटा मुझे लगने वाला है और टाइम हो चुका है 9:30, मतलब कि मुझे कोई 10:30-11 बजने वाले हैं। 9:30 तक मैं घर पे फ़ोन करूँगी, नहीं 9:30 तो बज रहे हैं, पता नहीं यार, देखती हूँ अभी थोड़ी देर में घर पे फ़ोन करती हूँ कि मुझे लेने के लिए निकलना है। जब तक वो पहुँचेंगे ट्रैफिक इतना है कि मेरा काम हो ही जाए, शायद अल्लाह करेंगे। तो ऐसा है यार, कुछ आसान नहीं है फैशन वैशन ये चीज़ें करवाना, और सर्दी में तो ख़ास तौर से क्या कर सकते हैं। लेकिन यार चुका है, बाल हमारे डाई हो चुके हैं और मुझे बड़े पगे, मुझे जो है ना वो बहुत प्यारा लगा, कलर का जो शेड है ना जैसे मैंने चाहा था ना वही मिल गया मुझे। बाकी आप लोग देख के बताइएगा कि मेरे पहले वाले बालों का कलर अच्छा था या ये मेरे बालों का कलर अच्छा है। मैंने बाल जो है ना स्ट्रेट नहीं करवाए, ये सिर्फ जो है ना स्ट्रेटनर किया है, मैंने कैरेटन वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो ऐसा है कुछ। तो गाइस अब हम फ्री हो चुके हैं और मैं टाइम आप लोगों को दिखाती हूँ, 6 बजे से तुम हंसती रहो, तुम मुझे देख और तुम्हें देख के मुझे भी हंसी आए। गाइस यहाँ पे एक लड़की है, वो मुझे देख के ना वीडियो बनाते मैं हंस रही है, तो मैं भी उसके साथ साथ हंसी आ रही है, क्या कर सकते हैं। तो बस ये है कुछ हमारी आज लुक जो कि चेंज हो गई है। हाँ बस मैं आ रही हूँ, मैं टाइम दिखा देती हूँ कि मैं 6 बजे घर से निकली थी और अब मैं दिखा देती हूँ कितने बजे मैं फारिग हो रही हूँ। लेकिन दिल खुश हो गया है जी। तो यार आप लोग देख सकते हैं 12:05 हो रहे हैं और मैं जो हूँ ना वो 6 बजे घर से निकली थी और अब फ्री हुई हूँ। तो बस होता है यार ऐसे कामों में, ऐसा हो ही जाता है। बस निकलेंगे अब घर, खाना भी मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से हो रहा है मेरा बुरा हाल। तो सर्दी से हमारी लग गई थी वाट, लेकिन जो है अब हम खड़े हो गए यहाँ पे, यहाँ पे हम ले रहे हैं टिक्के, चिकन के छोटे वाले टिक्के, पागल तो चिकन के छोटे वाले टिक्के। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा मिला आज हुआ, बहुत बड़ी डाइट लग गई। कितनी देर लगेगी भाई है? हाँ ये वाले नहीं, जो दूसरे आपने पहले दो लगा। और कबाब दिखाइएगा कहीं कहाँ रखे हैं। अच्छा सीख में लगाना पड़ेगा, सीख में लगाना पड़ेगा। अच्छा चिकन है, बीफ है? बीफ का, बीफ का है। कितने की सीख है? 60 रुपए की। लगवाऊं? एक लगा दे। लेकिन सुकून कितना मिल रहा है ना, आप चेयर रख के इसको बिठा दो आगे करके, इनका बैठ जाओ। देखते हैं भाई 60 रुपए में कौन सी सीख मिल रही है कबाब की, खा के पता लगेगा। ये तो दुमचियाँ हैं भाई, मेरी नहीं है किसी और की हैं। यहाँ पे दुमचियाँ बड़े शौक से खाते हैं ये लोग। बन जाए देख के मेरे ना भूख और भड़ा कुटी। तो दोस्तों बस अब मैं खाऊंगी खाना, मुंह भी मेरा कुछ काले काले धब्बे पड़ चुके हैं कलर लग लग के, और बस भूख से ना मेरी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, और कलर मेरा आप लोग देख सकते हैं
बाल मैंने कैरेटन नहीं कराया है, कोई एक्सटेंसो कोई रिबाउंडिंग नहीं करवाई है, ये सिर्फ अभी बाल बने हुए हैं तो इसलिए लग रहे हैं, और सिर्फ मैंने ट्रीटमेंट करवाया बालों का, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया बस, इसके अलावा डाई करवाया। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को कर देते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।